आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे। केंद्र की सरकार उब तक नहीं करती थी। मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे। और केंद्र की सरकार उब तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 300